everyone, I am Savi and you're watching Dotted Dreams. This is a requested video. Many of my friends were requesting me to make a video on how to hide the extra tummy fat. I know वो जो tummy fat होता है हमारा जो बाहर निकला हुआ tummy होता है वो हमारे outfit को हमारी personality को हमारे styling को काफी हद तक you know affect करता है and it also makes us you know less confidence. लेकिन ऐसे कई सारे effective hacks हैं तरीके हैं जिनसे कि आप अपने tummy fat को बिल्कुल गायब कर सकते हैं और यही मैं आज आपसे share करने वाली हूँ आज के इस video में. So video को पूरा देखें and I'm very very sure कि many of the ideas which I will be sharing with you they will be very very helpful. और आप जब उन्हें इस्तेमाल करेंगे जब आप उन्हें यूज करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो एक्स्ट्रा टमी जो हैंग होता था आपके कपड़ों के बाहर और वो बहुत बुरा दिखता था अब वो काफी हद तक आपने हाइड कर लिया है. डू वॉच द वीडियो फॉर फुल एंड दोज हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम डू नॉट फॉरगेट टू गो टू माई चैनल वॉच ऑल अदर वीडियोज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. लाइक मी फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो. आपका इनर वेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी टमी को हाइड करने में. जितना हम बाहर से क्या पहनते हैं इम्पॉर्टेंट है उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा इनर वेयर कैसा है. सो हमेशा हाई वेस्ट इनर वेयर को ही पिक करें. जब आप हाई वेस्ट इनर वेयर पहनेंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा बल्जिंग टमी है वो काफी हद तक सिमट जाता है और आप बहुत ज्यादा फर्म दिखते हैं और आपके आउटफिट में वो एक्स्ट्रा टमी वो जो बेली है वो बिल्कुल नहीं दिखता. सो हाई वेस्ट इनर वेयर के लिए ही जाए. Whenever you're wearing any bottom wear, be it a trouser, jeans, your salwars, your chudidars, or your petticoats in your sari or your lehenga, always go for high waist bottom wear. You will see that when you're wearing something on the higher waist, then the tummy or the belly which is hanging below, वो पूरी तरीके से उसके अंदर firmly सिमट जाता है और बहुत ही firm और you know एक flat look देता है आपके टमी को. सो हाई वेस्ट बॉटम वेयर के लिए ही हमेशा जाए. टॉप हमारा एक बहुत ही पसंदीदा आउटफिट है. हम बहुत ज्यादा टॉप्स पहनते हैं, इंडियन तरह के टॉप्स पहनते हैं, वेस्टर्न पहनते हैं, लेकिन आप जब भी टॉप पहने तो हमेशा आप एक ए लाइन टॉप वेयर को चूज करें. डोंट गो फॉर स्ट्रेट टॉप्स विच आर स्ट्रेट कट क्योंकि वो आपके बेली एरिया में जाके फंसता है और आपके टमी को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है. तो ए लाइन के लिए जाए. ए लाइन आपके बस्ट एरिया से एक ए शेप को क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपका टमी एरिया काफी फ्री रहता है और वो एक्स्ट्रा बेली तो बिल्कुल नहीं दिखता. गो फॉर पेपलम टॉप. पेपलम टॉप्स रियली वर्क्स बेस्ट इन ऑर्डर टू हाइड योर टमी. पेपलम टॉप्स अगर आपने देखा होगा जैसे आई एम शोइंग इन द पिक्चर दे आर मच यू नो फर्म और काफी अच्छी फिटिंग होती है आपके बस्ट एरिया पे और बस्ट के नीचे वो एक फ्लेयर ले लेता है जिसकी वजह से आपका वो बेली बिल्कुल नजर नहीं आता. लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेपलम टॉप्स को बहुत ज्यादा फ्रिल्स वाले ना लें, बहुत हेवी फ्रिल्स वाले ना लें. अदरवाइज अगर आपका टमी उतना ज्यादा नहीं है तो भी वो आपके यू नो पेट वाले एरिया को बहुत ज्यादा फ्लफी दिखाएगा. सो काफी सिंपल कम फ्रिल्स वाले कम फ्लेयर वाले पेपलम टॉप को चूज करें. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर टॉप वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि आपके टॉप का लेंथ क्या है. अपने टॉप के लेंथ को कभी भी अपने हिप्स के नीचे ना पहने. अक्सर हम ये सोचते हैं कि मेरा कमर वाला एरिया पेट वाला एरिया काफी हैवी है तो मुझे शॉर्ट टॉप्स नहीं पहनने चाहिए और हम काफी हिप्स के नीचे लंबे वाले टॉप्स पहनते हैं जिससे भी हमारा टमी बहुत ज्यादा दिखता है. तो हिप्स के नीचे वाले टॉप वेयर को बिल्कुल ना पहने. आप टॉप वेयर को हमेशा अपने हिप्स के थोड़ा ऊपर रखें, अपने वेस्ट एरिया से बस 2 इंचेस तक नीचे रखें जिससे कि आपका टमी बहुत अच्छे से छिप जाए. Now when we are wearing the kurtas, again it is very important कि avoid straight kurtas. वो आपके टमी वाले एरिया को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है और वो एक्स्ट्रा जो पेट आपका निकला हुआ है बहुत क्लियरली दिखता है. सो स्ट्रेट कुर्ताज को बिल्कुल नहीं पहने, उनको बिल्कुल हटा दें अपने क्लोसेट से. इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट कुर्ताज गो फॉर ए लाइन कुर्ताज, गो फॉर चोली कट कुर्ताज. दे आर ऑल्सो वेरी अमेजिंग. चोली कट कुर्ताज में अगेन हमें ध्यान रखना है पेपलम टॉप की तरह कि उसके फ्रिल्स कैसे हैं, उसकी चुन्नट कितनी है. बहुत हैवी चुन्नट वाले चोली कट कुर्ताज में भी आप बहुत ज्यादा आपका वो यू नो दैट बेली हाईलाइट होगा. सो कम फ्रिल्स वाले कम चुन्नट वाले चोली कट कुर्ते के लिए जाएं या फिर ए लाइन कुर्ते के लिए जाएं. यू विल सी दैट आपका बेली कंप्लीटली छुप जाता है, यू नो वो फीलिंग ही नहीं आती कि यू आर हैविंग एक्स्ट्रा बेली फैट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कुर्ता इज द साइड स्लिट.
हाई साइड स्लिट वाले कुर्ताज को चूज करें। कभी भी कुर्ते के साइड स्लिट को हिप एरिया से ना आने दें या हिप के नीचे वाले जो कुर्तेज के स्लिट्स होते हैं उनको बिल्कुल प्रेफर ना करें, उनमें आपका पेट बहुत ज्यादा दिखेगा। लेकिन अगर आप वेस्ट से 2 इंचेस नीचे तक के हाई स्लिट साइड स्लिट्स वाले कुर्ते को चूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो एक्स्ट्रा फैट है जो टमी एरिया में वो काफी हद तक आप जो उसको छुपा सकते हैं। ऑलवेज गो फॉर स्मॉल प्रिंट्स इन योर आउटफिट। जब आप स्मॉल प्रिंट्स वाले आउटफिट को पहनते हैं और वो आपके टमी एरिया को बहुत छुपा लेता है, लेकिन अगर आप बड़े बड़े प्रिंट्स पहनते हैं, स्पेशली अगर वो आपके बेली एरियाज में बड़े बड़े प्रिंट्स वाले कपड़े हैं तो उसमें आपका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ दिखेगा। सो बड़े बिग प्रिंट्स को कंप्लीटली अवॉइड करिए, उनको बिल्कुल मत चूज करिए। रादर चूज स्मॉल प्रिंट्स ऑन योर आउटफिट, यू विल सी दैट यू आर एबल टू सक्सेसफुली हाइड योर बेली। The next one is the belt. When you will hear belt, आप कहेंगे कि ऑलरेडी मेरा पेट इतना निकला हुआ है और आप मुझे बेल्ट पहनने को कह रहे हो, लेकिन बेल्ट का एक ट्रिक है कि हम बेल्ट को कहाँ टाई करते हैं। हमें ये लगता है कि बेल्ट को हमें बिल्कुल कमर पे पेट की तरफ ही टाई करना है, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। बेल्ट को हमें अपने वेस्ट के स्लिमेस्ट पार्ट में टाई करना है। अगर आप अपने स्लिमेस्ट पार्ट, वो होता है जो हमारे बस्ट के बिल्कुल नीचे होता है, अगर आप बेल्ट को वहां टाई करते हैं तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है और आपका वेस्ट लाइन बहुत ही स्लिम दिखता है। ऑलवेज गो फॉर वर्टिकल स्ट्राइप्स इन योर क्लोथ्स टू हाइड दैट एक्स्ट्रा टमी, और काफी स्लिमिंग लुक भी देता है जब हम वर्टिकल स्ट्राइप्स पहनते हैं। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स पहनते हैं तो आप उतने ही ज्यादा ब्रॉड लगते हैं और आपका पेट और ज्यादा बाहर दिखता है। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स को बिल्कुल मत पहनिए, सिर्फ वर्टिकल स्ट्राइप्स के लिए जाइए। When it comes to skirts, skirts these days is a very favorite outfit for every one of us. हम short skirts भी पहनते हैं, knee length skirts पहनते हैं, long skirts पहनते हैं, तो skirts में भी पेट काफी निकला हुआ दिखता है। तो skirts में पेट को छुपाने के लिए हमेशा A-line skirts पे जाएं और skirts को थोड़ा high waist tie करें। skirts को कभी भी अपने पेट के बीचों बीच वाले एरिया पे tie ना करें, उससे पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ दिखेगा। उसको हाई वेस्ट ट्राई करें और ए लाइन स्कर्ट्स के लिए जाएं तो आप बहुत ज्यादा स्लिम भी दिखेंगी और वो जो पेट आपका निकला हुआ है, जो एक्स्ट्रा टमी है, उसको भी आप बहुत आराम से छिपा लेंगे। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू ड्रेसेस, ड्रेसेस ऑल्सो इज अ वेरी फेवरेट आउटफिट। हम हर तरह के ड्रेसेस पहनना प्रेफर करते हैं, लेकिन ड्रेसेस में भी अगर आपका पेट निकला हुआ है तो बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन आप बहुत आसानी से उसे छुपा सकते हैं बाय वेयरिंग ए लाइन ड्रेसेस और बाय वेयरिंग रैप ड्रेसेस। ए लाइन जैसे कि आपका कुर्ता हो, टॉप हो, स्कर्ट हो, जब ए लाइन वाले आप कपड़े पहनते हैं तो काफी स्लिमिंग इफेक्ट देता है और आपकी जो एक्स्ट्रा टमी को छुपा लेता है। रैप ड्रेसेस भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके एक्स्ट्रा टमी को छुपाने के लिए। आप रैप टॉप्स को भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लुक देते हैं। द नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ हाइडिंग दैट एक्स्ट्रा टमी, जिसको मैं बहुत यूज करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। ये लेयरिंग का मतलब होता है कि हम कपड़ों के डिफरेंट लेयर्स को लगाकर अपने जो हमारे प्रॉब्लम पार्ट है, अगर मेरी बॉडी में मेरा टमी एरिया इज अ प्रॉब्लम पार्ट, विच एक्चुअली इट इज, आई डोंट हैव अ वेरी फ्लैट टमी, लेकिन आपको मेरे वीडियोज में और पिक्चर्स में ऐसा नहीं दिखता होगा बिकॉज मैं इन हैक्स को यूज करती हूँ जिससे कि मेरा कभी भी इतना ज्यादा टमी बाहर नहीं दिखता है। एंड लेयरिंग इज वन ऑफ देम। जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि आई एम वेयरिंग अ हाई वेस्ट ट्राउजर विद अ टॉप विच इज क्वाइट अ टाइट फिटेड टॉप, और इसको मैंने टीम अप किया है एक ब्लेजर के साथ। ये ब्लेजर एक लेयर देता है जिससे कि मेरा जो कमर वाला पार्ट है, जो कि काफी ब्रॉड है इन रियलिटी, वो इतना ब्रॉड नहीं दिखता है और मेरी टमी को भी ये काफी हाइट कर रहा है। इस दूसरे पिक्चर में देखेंगे कि मैंने इस डेनिम के एक शर्ट या बोले जैकेट के साथ मैंने अपने क्लूटोज को पहना है, जिससे भी मेरे टमी को ये बिल्कुल हाइट कर रहा है। तो ऐसे ही आप लेयर्स यूज कर सकते हैं, आप लॉन्ग श्रग्स यूज कर सकते हैं, जैकेट्स यूज कर सकते हैं। तो जब हम एक कपड़ों के लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को यूज करते हैं तो एक स्लिमिंग इफेक्ट देता है। इवन लेयर्ड कुर्ते आते हैं, लेयर्ड टॉप्स आते हैं, लेयर्ड ड्रेसेस आते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन हाइडिंग दैट एक्स्ट्रा टमी फैट। सो नेक्स्ट थिंग इज बाय क्रिएटिंग एन इल्यूजन, दैट इज प्रॉब्लम वाला एरिया विच इज आवर टमी से ध्यान हटा के दूसरी जगह पे लेके जाना है, जिससे कि हम अपने उस प्रॉब्लम वाले एरिया को कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज बाय वेयरिंग वेरी ड्रामेटिक स्टाइलिश ज्वेलरी। अगर आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनी है तो किसी का भी ध्यान सबसे पहले उधर जाएगा और आपकी वो एक्स्ट्रा टमी और बेली वाले एरिया से हट जाएगा। The same thing is by wearing a deep neckline or a very interesting neckline, using dramatic sleeves, बहुत ही different तरह के sleeves हमने अगर पहने हैं तो भी हमारा ध्यान बिल्कुल sleeves पे चला जाता है या neck पे चला जाता है या jewelry पे चला जाता है, तो हमारा ध्यान उस problem area से हट जाता है। तो ये करके भी
आप अपने टमी एरिया में ध्यान को भटका सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और बहुत स्मार्टली अपने आउटफिट को कैरी कर सकते हैं। वेयरिंग द स्कार्फ एंड मफलर्स इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ हाइडिंग द टमी एरिया। अगर आपने कुछ ट्राउजर या शर्ट्स पहने हैं जो आपको लगता है कि टमी एरिया से थोड़ा सा बेली बाहर दिख रहा है, तो आप एक स्कार्फ यूज कर लीजिए, वो आपको एक सोफिस्टिकेटेड लुक भी देगा प्लस आपके टमी एरिया को काफी हद तक हाइड कर देगा। आई रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो बिकॉज दीज ट्रिक्स एंड हैक्स रियली वर्क फॉर मी बिकॉज मेरे केस में भी आई एम नॉट वेरी स्लिम, आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द हेवियर साइड। मेरा भी बेली एरिया काफी ज्यादा बाहर निकला हुआ है, लेकिन आपको कभी भी मेरे वीडियोस में और मेरे पिक्चर्स में ऐसा फील नहीं होता होगा क्योंकि मैं इन हैक्स को यूज करके अपने टमी एरिया को बहुत आसानी से हाइड कर लेती हूँ और अपने आउटफिट को एक नया लुक दे देती हूँ। सो आई रियली होप दैट यू विल लाइक द वीडियो, डू वॉच द वीडियो को आराम से देखें, बहुत शांति से देखें और इन ट्रिक्स को हैक्स को यूज करने के लिए जरूर ट्राई करें। आई एम वेरी श्योर यू विल गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स जस्ट बाय यूजिंग दीज हैक्स वेरी स्मार्टली। बट अगेन आई विल से द बेस्ट थिंग इज टू एक्सरसाइज, keep a check on your diet, give a good time to your body and health so that you use that belly fat naturally. लेकिन जब तक आप वो नहीं कर पा रहे हैं तब तक ये hacks आपकी जरूर मदद करेंगे आपके belly को छुपाने में। So keep watching me, do like करें, subscribe करें, bell icon को hit करें and keep encouraging me in the same way. I'll be coming up with more interesting and more useful videos again and again. So by the time, take lot of care of yourself, keep smiling, keep styling, take lot of care of yourself and keep glowing. Bye.